किसी का बच्चा कोई गलत काम करता है, उसकी फोटो किसी कैमरे में आ जाती है, उसके माँ बाप की जो सालों की मेहनत है उस पर ये नफरत का बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर के माध्यम से जो भाजपा की सरकारें गरीब लोगों के, बेबस और लाचार लोगों के मकान गिरा रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से रोक लगाने का काम किया है। ये लोकतंत्र की विजय है। किसी भी सिस्टम के जरिए दंगे हैं, दंगाई हैं, बलवे हैं, बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनका बंटाधार होता है और समाज में सुरक्षा का एहसास होता है, तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बेटा अपराध करता है, बाप की संपत्ति नहीं गिरती है, जब तक कि वो अवैध बनाया हुआ है उसकी संपत्ति गिराई जा रही है। कोर्ट ने कल एक ऑब्जर्वेशन दी और कहा कि जो ये बुलडोजर की बातें हैं ये बंद होनी चाहिए। कोई भी सिर्फ इसलिए उसके घर में बुलडोजर नहीं चला देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक्यूज्ड है। और ये पैन इंडिया हो रहा है, तीन बड़े राज्यों के नाम लिए गए, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान। देखिए, ये पैन इंडिया नहीं हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के शासित कार्यकाल में ये हो रहा है। देखिये, यही बात राहुल गांधी जी करते हैं कि नफरत की दुकान बुलडोजर एक नफरत का प्रतीक इन्होंने बना दिया है, हेटरेट पॉलिटिक्स की। देखिए, किसी का बच्चा कोई गलत काम करता है, उसकी फोटो किसी कैमरे में आ जाती है, उसके माँ बाप की जो सालों की मेहनत है उस पर ये नफरत का बुलडोजर चला देते हैं, यही राहुल गांधी जी तो कहते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसमें इंटरवीन करा कि नफरत की दुकान बंद कीजिए, मोहब्बत की दुकान चलाइए, अगर कोई गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और उन लोगों का क्या जिन्होंने इलीगल घर बनाए, ये दिल्ली में भी इन्होंने शुरू करा था बीजेपी ने, बीजेपी बुलडोजर लेके मेरे खुद के एरिया में आ गई थी, हमने सामने खड़े होकर कहा, पहले उन करप्ट भ्रष्टाचार अधिकारी जिनके शासन में ये घर बने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता, क्यों बड़े बड़े जो इनके मेयर हैं, बड़े बड़े इनके नेता हैं जिन्होंने पैसे खाकर ये इलीगल घर बनाए, उनके घर पे क्यों नहीं भ्रष्टाचार के वहां पे बुलडोजर चलता। ये नफरत का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी देश में बन गया है और जो इनकी तीन स्टेट्स हैं वहीं पे ये नफरत का बुलडोजर चल रहा है। क्या आपने सुना किसी कांग्रेस के एरिया में ये नफरत का बुलडोजर चला? कभी नहीं चलता। यही एनडीए का जो प्रतीक बन गया है, ईडी, सीबीआई एंड नफरत का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ऐतिहासिक फैसला किया है जिसमें किसी का भी घर गिराना ये पूर्ण रूप से गलत कहा गया है। बुलडोजर के माध्यम से जो भाजपा की सरकारें गरीब लोगों के, बेबस और लाचार लोगों के मकान गिरा रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से रोक लगाने का काम किया है। ये लोकतंत्र की विजय है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो बहुत स्वागत योग्य है। मैं इसके टेक्निकल चीजों पे तो नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी नहीं जाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल चीज देखता हूँ। ये जो पूरा के पूरा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का समय चला है, उससे दंगे दंगाई, बलवे बलवाई और बाहुबली बाहुबलियों में जो है असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ और जो समाज में सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ। इसलिए अब टेक्निकल इश्यू क्या है, टेक्निकल बातें जो है वो होंगी, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर किसी भी सिस्टम के जरिए दंगे हैं, दंगाई हैं, बलवे हैं, बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनका बंटाधार होता है और समाज में सुरक्षा का एहसास होता है, तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब वो अवैध हैं, सरकारी संपत्ति में बनाए हैं, तब गिर रहा है। बेटा अपराध करता है, बाप की संपत्ति नहीं गिरती है, जब तक कि वो अवैध बनाया हुआ है उसकी संपत्ति गिराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तो सही कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का सही आदेश है, जो बीजेपी हर जगह घर गिरा रही है, किसी के आरोप किसी के ऊपर आरोप लग जा रहे हैं तो उसका घर सबसे पहले गिराया जा रहा है। नहीं नहीं, विपक्ष के लोग तो कवर करेंगे। मथुरा घटना याद है, अवैध कब्जा जिसमें एसपी की भी जान गई थी, पुलिस की जान गई, दरोगा की जान गई, अवैध कब्जा था ना, तो जो कार्रवाई हो रही है अवैध कब्जे पर तो उसको जोड़ा जा रहा है अपराध से। जब अपराध कर रहा है तो अगर अपराध करने वाला व्यक्ति वो गलत जमीन पर, सरकारी जमीन पर बसा है, अवैध तरीके से बसा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.